हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग स्टोरिंग की कि डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उसके आपको तीन मेथड बताए थे। उसमें से जो तीन मेथड थे वो थे आपके कि फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर, वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर विथ फिक्स्ड मैक्सिमम और लिंक्ड स्ट्रक्चर। तो उसमें जो पहला था फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर, वो तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज हम लोग बात करते हैं वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विद फिक्स्ड मैक्सिमम की। इसमें देखिए क्या होता है। इसमें सिंपली पहले हम इसका स्ट्रिंग स्टोरिंग, स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं। तो इसका पहला स्ट्रक्चर जो था आपका, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ, वो तो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं वेरिएबल लेंथ स्टोरेज, वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विद फिक्स्ड मैक्सिमम की, ठीक है। वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम लेंथ जो है फिक्स कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल्दो स्ट्रिंग्स में बी स्टोर्ड इन फिक्स्ड लेंथ मेमोरी लोकेशंस, देर आर एडवांटेजेस इन नोइंग द एक्चुअल लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। तो अगर आपको एक्चुअल लेंथ मालूम है ईच स्ट्रिंग की, तो उसको उसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वन देन डज नॉट हैव टू रीड द एंटायर रिकॉर्ड वेन द स्ट्रिंग ऑक्यूपाइज ओनली द बिगनिंग पार्ट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मतलब कि मान लीजिए आपने 80 कॉलम दिया हुआ है और आपको मालूम है कि स्ट्रिंग लेंथ जो है से 15 करेक्टर की ही है, तो इनिशियल 15 करेक्टर के बाद, या स्ट्रिंग जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है वहाँ से 15 करेक्टर रीड करने के बाद, उसके आगे के कॉलम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल बिगिनिंग पार्ट ऑफ द मेमोरी लोकेशन ही चेक करने की ज़रूरत रहती है। और क्या फ़ायदा होता है कि ऑल्सो सर्टेन स्ट्रिंग ऑपरेशंस डिपेंड ऑन हाउ सच वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। और कई स्ट्रिंग ऑपरेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है वो इस पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि द स्टोरेज ऑफ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स इन मेमोरी सेल्स विद फिक्स्ड लेंथ कैन बी डन इन टू जनरल वेज। अब जो वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग होती है उनका स्टोर करना आपके मेमोरी सेल में, तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वन कैन यूज ए मार्कर सच एज $2 साइन, यानी कि वन कैन यूज ए मार्कर, या तो आप मार्कर यूज करो ताकि पता चल जाए स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो इसमें जैसे मार्कर के तौर पे आप क्या यूज कर सकते हैं, जैसे $2 साइन है ऐसे, ठीक, तो सच एज $2 साइन्स टू सिग्नल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे ये अगर आप लगा देंगे तो ये क्या बताएगा कि जब ये मार्क आ जाएगा इसका मतलब एंड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो गई। और दूसरा तरीका क्या है कि वन कैन लिस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज एन एडिशनल आइटम इन द पॉइंटर एरे। मतलब कि लेंथ जो स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कैन कैन बी कैन बी स्टोर्ड एज एन एडिशनल आइटम। मतलब आप स्ट्रिंग भी स्टोर करिए, उसके साथ उसकी लेंथ भी स्टोर कर दीजिए किसी भी पॉइंटर एरे में, ठीक। अब इन्हीं दोनों मेथड को हम एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए हमने जो पिछला फोर्ट्रॉन वाला सी प्रोग्राम बनाया था, वो पिछले वीडियो में आप उसी को रिफर कर लीजिए, बार बार उसको लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो उस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट मेथड अगर हम बनाएं, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है कि $ का साइन हम यूज करेंगे स्ट्रिंग एंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर एरे में मान लीजिए ये हमारी से ये पॉइंटर हो गया 1 2 3, और ऐसे ही करते हुए जो भी आया यहाँ तक, मान लीजिए हमने कहा 1 2 3 और से ऐसे हमने कहा 9 तक आ गया, ठीक। अब यहाँ पे जो डिफरेंट हमने कॉलम बनाए वो 80 कॉलम्स,
लिया हुआ है ये हमने, ये पहली लाइन हो गई मान लीजिए, ये दूसरी लाइन हो गई, ऐसे ही करते हुए ये आपकी लास्ट लाइन आ गई। ठीक है, प्रोग्राम पिछले जो वीडियो लेक्चर में है फोर्ट्रॉन का, उसी को एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं, तो प्लीज उसको रिफर कर लीजिए तभी समझ में आएगा। अब ये पॉइंटर मान लीजिए जो फर्स्ट है ये शो कर रहा है इसको, पहली लाइन को, तो यहाँ पे से इस तरह आ गया सी, यहाँ पे आ गया प्रोग्राम प्रिंटिंग टू इंटीजर्स, प्रिंटिंग टू इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहां पे ये लाइन एंड हो रही है, स्ट्रिंग एंड हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहां पे डबल डॉलर का साइन भी स्टोर कर देंगे। दूसरा, दूसरी लाइन जो आती है किसे किस तरह रीड, ठीक है, एस्ट्रिस्क कॉमा जे कॉमा के है। अब यहां पे ये लाइन एंड हो रही है, ये स्ट्रिंग एंड हो रही है, तो इसके बाद फिर यहां पे ये डबल डॉलर का साइन, ये जो पहला वाला मेथड बताया हमने वो, ठीक। फिर ऐसे ही मान लीजिए लास्ट लाइन आ गई, तो लास्ट लाइन क्या होती है एंड, ये हमने कहा एंड, और यहाँ पे फिर डबल डॉलर का साइन। तो एक तो तरीका स्ट्रिंग को स्टोर करने का ये है कि जहां भी स्ट्रिंग एंड हो रही है वहां पे आप क्या कीजिए डबल डॉलर का साइन यूज कर लीजिए। तो एक तो मेथड ये होगा, इसको इसी इस तरह के मेथड को बोलते हैं रिकॉर्ड्स, ये कहलाता है रिकॉर्ड्स विद सेंटिनेल्स, ठीक, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब उसके बाद दूसरा मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लेंथ ही मेंशन कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो हमारी पॉइंटर एरे है, ठीक, और यहां पे जैसे आप स्टोर कर, अभी आपने स्टोर किया था वैसे ही कर लीजिए, से ये पहली लाइन हो गई, फिर हमने कहा कि ये दूसरी लाइन हो गई, फिर ऐसे ही हमने कहा कि मान लीजिए ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है, और ऐसे ही करते करते ये लास्ट लाइन हो गया, ठीक। अब इसके अंदर जब आप स्टोर करेंगे, जैसे मान लीजिए फिर से हमने कहा कि पहली लाइन आ गई सी और प्रोग्राम प्रिंटिंग टू इंटीजर, वही वाली लाइन लिख दीजिएगा, प्रिंटिंग टू इंटीजर्स, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन जो थी हमारी रीड एस्ट्रिस्क कॉमा जे कॉमा के, ठीक, फिर तीसरी लाइन जो है वो लिख दीजिए, लास्ट लाइन जैसे थी हमारी एंड वो लिख दिया हमने। इसमें हम डबल डॉलर का साइन नहीं यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंटर एरे है मान लीजिए पॉइंट के नाम से, यहाँ पे दो फील्ड होगी, मान लीजिए 1 2 3, ऐसे ही करते करते ये लास्ट 1 2 3 और अप टू से 9। इसमें क्या होगा कि ये शो कर रहा है इसको, ये इसको, ये इसको, और सिमिलरली ये इसको। अब इसमें क्या होता है कि पॉइंट के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग की लेंथ भी स्टोर करते हैं। मतलब कि ये जो 1 2 3 हमने आपको ये समझाने के लिए लिखा है, इसको तो आप बाहर भी मार कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ये 1 2 3 अप टू 9। अब जैसे पहली वाली स्ट्रिंग है मान लीजिए इसकी लेंथ 55 है, तो हमने यहाँ स्टोर कर देंगे 55। इसकी लेंथ कितनी है तो इसको आप गिन भी सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका रीड एस्ट्रिस कॉमा फिर स्लैश इस तरह करके, इसकी भी मान लीजिए लेंथ है 18, तो ये आ गया 18, 4 3 7 2 9 1 10 और 1 11 और 1 12 और 6 18, तो इसकी हो गई 18।
फिर इसकी लेंथ हो गई मान लीजिए 21, तो हमने लिख दिया 21, ऐसे इसकी लेंथ हो गई 9 एंड की, ठीक, तो ये हमने लिख दिया 9, ठीक है। जनरली ये अगर 80 कॉलम का है तो आप जानते हैं फोरट्रॉन में छठे कॉलम से हम लिखना शुरू करते हैं, तो शुरू 6 कॉलम के बाद, ठीक है, 7 से, तो शुरू का, अब जैसे ये है देखिए, 4 करेक्टर ये हुआ, ठीक, 5, 6, 7, 8, 9, और बीच में जो स्पेस है, 1 स्पेस 10, 1 स्पेस 11, 1 स्पेस 12, ये हो गया, और +6 18 आ गया। तो मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग की लेंथ भी इसके साथ ही मेंशन कर देते हैं, ठीक। तो दूसरा तरीका ये है इसको स्टोर करने का, इस तरीके को बोलते हैं रिकॉर्ड्स हुज लेंथ आर लिस्टेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिकॉर्ड्स हुज लेंथ्स आर लिस्टेड, मतलब उसकी लेंथ भी हमने साथ ही साथ लिस्ट कर दी है, स्टोर कर दी है। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है इन दोनों मेथड में, वो आपको जो ध्यान देने वाली चीज है उसको आप चाहे तो पॉइंट्स में देख सकते हैं कि वन माइट बी टेम्प्टेड टू स्टोर स्ट्रिंग्स वन आफ्टर अनदर बाय यूजिंग सम सेपरेशन मार्कर सच एज $2 साइंस और बाय यूजिंग ए पॉइंटर अरे गिविंग द लोकेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। दीज वेज ऑफ स्टोरिंग स्ट्रिंग्स विल ऑब्वियसली सेव स्पेस एंड आर समटाइम्स यूज्ड इन सेकेंडरी मेमोरी व्हेन रिकॉर्ड्स आर रिलेटिवली परमानेंट एंड रिक्वायर लिटिल चेंज। हाउएवर सच मेथड ऑफ स्टोरेज आर यूजली इनएफिशियंट व्हेन द स्ट्रिंग्स एंड दियर लेंथ्स आर फ्रिक्वेंटली बीइंग चेंज। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है इसमें हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रिंग को हम एक के बाद एक स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही लाइन में, मान लीजिए हमारा ये एक ही लाइन है, सपोज कीजिए ये हमारी एक ही लाइन है, डिफरेंट कॉलम से डिवाइडेड है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम एक ही लाइन में, जैसे हमने शुरू किया से सी, फिर यहाँ था प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर वाली जो लाइन है, प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये पहली स्ट्रिंग थी ना पहले लाइन की, आप पिछले वीडियो के प्रोग्राम में जाइए आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग एंड कर दें ऐसे डबल डॉलर साइन से, और फिर यहीं से दूसरी स्ट्रिंग शुरू कर दें, जैसे हमने कहा रीड और एस्ट्रिस्क जे कॉमा के, फिर इसको हम यहाँ एंड करने का डॉलर साइन लगा दें और फिर यहाँ से तीसरी स्ट्रिंग शुरू कर दें, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम और स्पेस दोनों बचेगा, ठीक। लेकिन इसको करते टाइम ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो ये चीज उन्हीं रिकॉर्ड्स में करना चाहिए जिसमें फ्रिक्वेंट चेंज की जरूरत ना हो, फ्रिक्वेंट चेंज नहीं हो, जैसे कि सेकेंडरी स्टोर में जो आप डाटा स्टोर करते हैं उसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं होते हैं उन डाटा में, उनको स्टोर करके रख दिया जाता है, तो वहां पे तो ये टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। लेकिन ऐसे डाटा या रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड्स जिनमें फ्रीक्वेंट चेंज होता है या फ्रीक्वेंट चेंज होने की संभावना रहती है, उनमें ये टेक्निक नहीं एफिशिएंट होती है। तो ये जो आपको आज वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विद फिक्स मैक्सिमम जो स्ट्रिंग स्टोर करने का तरीका है, जो दूसरा तरीका है, वो भी आपको बता दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिंक्ड स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।